पंजाब को स्मॉग का रोग, लाहौर समेत कई शहरों में मंजर धुंधला गया। हद निगाह न होने के बराबर मोटरवे मुख्तलिफ मकामात पर कई घंटे बंद रही। जहरीली फिजा में सांस लेना महाल, शहरी जुकाम खांसी फेफड़ों के अमराज का शिकार। पंजाब के 10 अजला में एक हफ्ते के लिए मास्क लाजमी करार। पीपल्स पार्टी के लेवल प्लेइंग फील्ड की बातों को संजीदा नहीं लेता, वफादारी की सियासत के साथ जुड़ी है निगरान। वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ कहते हैं सियासी जमातें सरगर्मियों में मसरूफ हैं, किसी जमात को इंतखाबी मुहिम से नहीं रोका। निगरान हुकूमत ने साबिक वज़ीर आज़म को जेल में नहीं डाला। कोई भी फर्द या जमात हसास तनसीबात पर हमला आवर होगी तो कानून हरकत में आएगा। तोशाखाना गाड़ियों के रेफरेंस में नवाज शरीफ का दिफा का बयान कलमबंद करने की दरख्वास्त मंजूर। एहतसाब अदालत में आसिफ अली जरदारी, अब्दुल गनी मजीद, अनवर मजीद और यूसुफ रजा गिलानी के टेडर पेश। प्रोसिक्यूटर ने मौकिफ इख्तियार किया, तफ्तीशी अफसर बयान रिकॉर्ड कर ले, हमें कोई एतराज नहीं। समाप्त 30 नवम्बर तक मुलतवी। गजा में इसराइली दरिंदगी से इंसानियत शर्मसार। गजा के एक और अस्पताल पर हमला, इंटरनेशनल अस्पताल पर बमबारी से 8 फलस्तीनी शहीद, 2 डॉक्टर समेत मुतादिद जख्मी। करीबी इमारत में आग लग गई। इसराइल का अल-शिफा अस्पताल के नीचे 55 मीटर तवील सुरंग का दावा। शुमाली गजा में 4 मसाजिद शहीद। अलखलील में फायरिंग से फलस्तीनी शहीद। 44 रोज में शहादतों की तादाद 13,000 से बढ़ गई। मगरबी किनारे में 2 रोज में मजीद 50 शहादतें। इसराइल का लबनान पर फिजाई हमला, हिजबुल्ला के मुतादिद अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। हिजबुल्ला का मार्टर हमलों के मुंह तोड़ जवाब, फौजी कंपाउंड और एक चौकी को निशाना बनाया। फलस्तीनी सदर का अमरीका पर जंग बंद कराने पर जोर। जर्मनी, कतर, सऊदी अरब की अक्वामे मुत्तहिदा के स्कूलों पर इसराइली बमबारी की मजम्मत। गजा सूरत हाल पर सऊदी अरब समेत मुस्लिम ममालिक के वज़राए खारजा चीन का दौरा करेंगे। कैंगरूज ने घर में घुसकर धूल चटा दी, सूरमाओं के गुरूर का मीनार मुंह के बल आ गिरा। ऑस्ट्रेलिया 6ठी बार वनडे क्रिकेट का हुक्मरान बन गया। फाइनल में भारत को 240 रन पर काबू किया, फिर हदफ 4 विकेटों पर हासिल कर लिया। ट्रेविस हेड की शानदार सेंचुरी, शर्मा 11 की जिल्लत आमेज शिकस्त पर 1,30,000 तमाशाइयों पर सख्ता तारी। फाइनल मैच की पिच थोड़ी स्लो थी। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस का कहना था कि हमारी टीम की फील्डिंग बहुत शानदार रही, भारत को ज्यादा स्कोर से रोकने में कामयाब रहे। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा बोले, फाइनल जीतने की भरपूर कोशिश की, टीम ने 30 से 40 रन कम स्कोर किए। हेड और लिबोशन की शराकत ने जीत से दूर कर दिया। गैर कानूनी मुकीम तारकीन वतन के खिलाफ कार्रवाई, खैबर पख्तूनख्वा से 2,27,239 अफगान महाजरीन वापस रवाना। 2,23,503 तोरखम, 3,317 अंगोरडा बॉर्डर से रवाना हुए। करलाची बॉर्डर से 419 अफराद वापस अफगानिस्तान गए। कराची में मायकुलाची रोड रेलवे फाटक के करीब बस उलट गई, मुतादिद मुसाफिर जख्मी। पुलिस और रेस्क्यू उदारे जाए वकुआ पर पहुंच गए। पुलिस के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।